मेरी किस्मत भी जेठालाल की तरह है। अभी अच्छा खासा मैं हेलमेट लेके नीचे उतरा ही था, ठीक है, बट अभी तो मेरा मूड बहुत खराब हो गया। व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बहुत टाइम के बाद आपसे वीडियो बना रहा हूँ, तो स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आपको बहुत सारी बातें बतानी है। मैं कहाँ था 3 महीने, क्या हुआ, क्या मेरी फैमिली के साथ हुआ, मैं सब आपको बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहो। दो तीन चीज़ें जो कि अच्छी हुई है मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जो बुरी चीज़ें हुई है मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरे साथ हो गई तो बताने से क्या मतलब, छोड़ो। तो हुआ यूँ कि जब लास्ट में वीडियो डाली थी पचमढ़ी वाली, उसके बाद जब मैं घर पर आया था, मैं वीडियो अपलोड करने वाला था, बट जो लास्ट वीडियो थी मैं एडिट नहीं किया था, तो उसकी जो भी सारी फाइल्स थी मेरे एक पेन ड्राइव में सेव थी, क्योंकि वहाँ पे तो मैं लैपटॉप ले नहीं जा सकता था। ले उसके बाद जो हुआ, जो मेरी जो लास्ट जो वापस आ रहा था उसकी फाइल्स गुम हो गई, इसलिए मैंने वीडियो डाली नहीं। मेरा मूड ख़राब हो गया इसलिए मैंने 1 महीना वीडियो डाली। उसके बाद जब मैं वीडियो शूट भी किया था एक दिन, बट मज़ा नहीं आया, और मैं शॉप पे था तो बिज़ी हो गया था, क्योंकि हमारा आपको पता है ना मेरा शॉप है, तो शॉप पे मैं बिज़ी हो गया था, जो कि एथनिक वेयर की शॉप है, तो उस वक्त मेरी ग्राहकी थी, कस्टमर्स थे, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद जैसे अप्रैल तक, अप्रैल में सीज़न अच्छी थी, बट एकदम से लग गया लॉकडाउन। 12 अप्रैल को लास्ट, 13 अप्रैल को लास्ट लॉकडाउन लगा था। उसके बाद उन्होंने पहले बोला था कि 8 दिन का है, तो मैं सोचा ठीक है वीडियो वैसे ही नहीं बना रहा, तो सब चीज़ रख के आ जाता हूँ। तो मेरा लैपटॉप रह गया था शॉप पर, मेरे को लगा 8 दिन के बाद खुल जाएगा, बट वो खोला नहीं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बढ़ा बढ़ा के आज 1.5 महीना हो गया है, और आज तारीख है 2 जून, और यहाँ पे कल से थोड़ा सा खुला है। इस थोड़ा सा कैमरा रख देता हूँ नीचे में, मैं आपको वही बता रहा था कि यहाँ पे दो थोड़ा सा खुला है। उसमें भी जैसे छोटे किराने वाले शॉप्स हैं, छोटे मोटे मकैने के, वो खोल रहे हैं, हमारी शॉप अभी भी बन रही है। तो बहुत पापा का मूड भी इतना ख़राब हो गया है, बट इस बीच बहुत अच्छी चीज़ हुई, जब मैं पचमढ़ी से वापस आया था, तो आपको पता है मेरा घर बहुत छोटा सा है, मतलब एक रूम और दूसरा रूम छोटा सा, हम जिसमें दोनों भाई सोते हैं। तो पापा से मैंने बोला था, पापा थोड़ा घर बार का देखना पड़ेगा हमें। तो जब पचमढ़ी से वापस आए, मतलब वो होता है ना कि आप जिस चीज़ को अच्छे से चाहना चाहते हो, सोचते हो, हमेशा एक बार ड्रीम पूरी होती है, तो वो ड्रीम पूरी हुई। हमने एक प्लॉट देखा, पूरी कॉलोनी है वहाँ पर, हमने घर देखा एक बार, पापा मैं और भाई जाके देख के आए, फिर मम्मी को दिखाया, मम्मी को भी अच्छा लगा। मतलब वहाँ पे जो कॉलोनी है वो बहुत अच्छी है, बस यहाँ से थोड़ा 2-3 किलोमीटर दूर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज आपको बता दूँ, दिखाता हूँ, तो चलते हैं थोड़ा सा बाहर, राइड भी मार के आते हैं और बाहर का मौसम देखते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, आज मैंने बहुत टाइम के बाद अपना हेलमेट निकाला है, जो मोटो ब्लॉक मैंने आपको दिखाया था। तो उसमें पहले क्या, मैंने अभी अभी टेस्ट करके दिखा जस्ट अभी, तो ये मेरा जो माइक्रोफोन है वो काम नहीं कर रहा है, इसमें ये बोल रहा है जब भी मैं माइक्रोफोन लगा रहा हूँ फ़ोन के साथ, क्योंकि हेलमेट के अंदर मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास गोप्रो नहीं है, मेरे पास जो भी है उसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन है, तो बहुत ख़राब आवाज़ आ सकती है। जैसे मैं माइक्रोफोन लगा रहा हूँ और हेलमेट के अंदर फंसा रहा हूँ यहाँ पर, तो इसमें बहुत गंदी आवाज़ आ रही है। मैंने उसका जुगाड़ बिठाया है, कुछ भी कुछ करके आपको ऑडियो मिलेगा, तो जैसा भी अभी है थोड़ा सा एडजस्ट करना। मेरा हेलमेट है एडोनिस का, अभी मिट्टी लग गई, इसको थोड़ा साफ़ करके अभी मैं इसमें एस जे कैम लगाऊँगा अपना, ये मैंने चार्ज पे लगाया हुआ है, मैं इसको लगा के हम चल, मैं इसको फिट कर देता हूँ, चार एक राउंड लगा के आते हैं, ठीक है। चलते हैं ग्राउंड ला कहते हैं आपको, अभी पूरा तो नहीं रिव्यू दे पाऊंगा, बेटा आपको दिखा देता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपना भी एक पर्सनल रूम होगा, भाई का अलग रूम होगा, एक गेस्ट रूम होगा छोटा सा, एक पापा मम्मी का रूम होगा, हॉल होगा, बाहर कार पार्किंग होगी, पूरा अपनी कॉलोनी होगी, पूरा डुप्लेक्स होगा, छत अपनी होगी, सब कुछ। ये ड्रीम पूरी मेरी मम्मी ने पहले बहुत सोची थी, हम लोग इस घर में हैं फ्लैट की तरह है, अपनी छत नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं कर पाते अच्छे से, छोटा सा रूम, एक घर, अपग्रेड हर किसी को करना पड़ता है। देखो पता था कितना पसीना आ रहा है, मतलब मुझे बहुत अंदर अंदर खुशी हो रही है, और बहुत दिन के बाद कैमरा उठाया ना, तो
थोड़ा सा वो लगता है ना थोड़ा। मैं आपको अपनी गाड़ी की हालत दिखाता हूँ, मतलब मैंने 5-6 दिन से चलाई नहीं है गाड़ी। 5-6 दिन पहले बीच में निकाली थी, बस एक राउंड लगा के वापस रख दी थी। एक्चुअली मेरे घर के अंदर जगह नहीं है, इधर घर में तो साइड में एक घर अंकल का अभी वो छोड़ के चले गए, उन्होंने तुड़वाया था पूरा, वो खाली पड़ा था, तो हमने उनसे चाबी ले ली है। तो मैं जब से लिया मैं वहीं पर रख रहा हूँ गाड़ी। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत गंदी जगह है, डस्ट है, और अभी झाड़ू लगता नहीं, अंदर कोई रहता नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। और एक दो स्क्रैचेस भी आए, जो मैं आपको बुरी बात आ रहा था ना वो हुआ, दिल पे चोट लगती है। नहीं नहीं 2 लाख की गाड़ी पे कोई स्क्रैच कर दे, पता नहीं किसको दुश्मनी है। जब दुकान के बाहर खड़ी थी लास्ट टाइम, उस वक्त आया था, मैंने देखा था, उसके बाद मैं इधर रख रहा हूँ, इधर भी कोई ठोक के गया है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी की हालत क्या। बगल में अस्पताल लगा, उसको खोलना पड़ेगा। लेते हैं चाबी, ताले की चाबी। तो ये अब हालत देख रहे हो, सामने खड़ी मेरी गाड़ी, ताला खोलना पड़ेगा इसका। ये घर बगल में मेरे जस्ट घर के साइड में है, इसको खोलना पड़ेगा पहले। 1 सेकंड में खोल लेता हूँ। मेरी किस्मत भी जेठालाल की तरह है। अभी अच्छा खासा मैं हेलमेट लेके नीचे उतरा ही था, मैं आपको बोला मैं राइड पे जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, मेरे हाथ से हेलमेट नीचे गिरा। मैं रखा था एक जगह, जैसे दरवाज़ा मैंने खोला वो दरवाज़ा थोड़ा सा टकरा है, आपको मैंने दिखा है, जस्ट देखना वीडियो में जाके, वहीं पे मैंने हेलमेट रखा, दरवाज़ा ऐसे खोला, वो टाइट था, मैंने झटका दिया, दरवाजे से हेलमेट टकराया, मेरा SJKM उसमें लगा हुआ था, हेलमेट नीचे गिरा, जो उसका जिसमें वो हेलमेट लगा हुआ था, मेरा जेक जो बोलते हैं वो टूट गया, MCL जो चिपकाया था वो टूट गया। इतना बुरा लग रहा है कि बाहर जा रहा हूँ, उतने दिन का कैमरा उठाया, उसके बाद कोई ना जेठालाल की किस्मत, जो सोचा था कभी होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, अभी पापा से मैंने बोला, पापा वो जुड़ा रहे, अब देखते हैं, आपको मैं कल ले चलूँगा, कल दिखा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें लगा हुआ था साथ में ही, मेरे हाथ से छूटा तो ये MCL निकल गई इसकी, प्लास्टिक टूट गया पूरा उसका। बस ये है कि मेरा ये कैमरा बच गया, ये इसके अंदर था। अब मैं यही एंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा कुछ बनाने का। उसके ऊपर मैंने अलग चिल्ला दिया मेरे भाई को, मैंने उसको बोला कि मेरा ये हेलमेट लेके नीचे आना, मैं जब तक ताला खोल रहा हूँ, उसने वो भी नहीं सुना, बोला तू जा नीचे मैं बाद में आऊँगा। मैं सोच रहा था अच्छा खासा दिखाऊँगा आपको, चलूँगा नीचे, अब कल ही दिखा पाऊँगा, और कल से मैं सोचूंगा कि वीडियोस डालता रहूंगा, व्लॉग बनाता रहूंगा डेली का। बट अभी तो मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया, अभी सॉरी गाइस, मतलब वो टूट गया ना, मेरा मन था कि बाहर गाड़ी चलाने जाऊं, इतने दिन के 5-6 दिन के बाद मैं निकाली थी, कल उस दिन भी निकाली थी, मेरे भाई ने चलाई थी गाड़ी, मैं नहीं चला पाया था। मेरा मन था दिखाऊंगा आपको, अच्छा लगेगा, वीडियो बनाता इतने टाइम के बाद, अब मैं सिर्फ यही डाल पाऊंगा अभी, और कुछ कर नहीं सकता, कहीं बाहर ज़्यादा जा भी सकते, थोड़ा बहुत निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो अभी मेरे हाथ से टूट गया, तो उसको सूखने में 24 घंटे लगेंगे, पापा बना ही रहे मेरे, होप कल तक सही हो जाए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, देख रहे हो, कोई बात नहीं। आई होप यू गाइस लाइक इट, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर कोई भी दूसरा टॉपिक आपके पास, कोई मेरे से कुछ चीज़ पूछनी हो तो आपके पास कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो आप पूछ सकते हो। बाय बाय। Oh, 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 oh